स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज सुबह सुबह जो है महानगर पालिका का बोल्डेजर एक्शन में आया है। नौबाग रोड पर जो है इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, यानी पहले सिटी सर्वे की ओर से जो है मार्क किया गया है और मार्क करने के बाद जो है लोग यहाँ पर स्वयं प्रेरित होकर अपना अपना इंक्रोचमेंट हटा चुके हैं और जो बचा कुचा है वो हटाने का काम आज महानगर पालिका का बोल्डेजर यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि तारीखी शहर बीजापुर का ये पहला लेआउट NA लेआउट है जो यहाँ के लोगों ने भी खुद स्वयं प्रेरित होकर महानगर पालिका के कमिश्नर से रिक्वेस्ट की थी कि ये रोड का इंक्रोचमेंट हटाया जाए ताकि रोड जो है बहाल हो जाए, रोड चौड़ी हो जाए, रोड खुली हो जाए। तो महानगर पालिका का बोल्डेजर जो है यहाँ पर आज नौबाग रोड पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। आओ जल्दी मेरे को महानगर पालिका के अधिकारी कमिश्नर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो नौबाग रोड से सीधा ये फर्स्ट ग्रेड कॉलेज यानी डिग्री कॉलेज को जाने का जो रोड है यहाँ पर पूरा अतिक्रम हटाया गया। आप देख सकते हैं कि कंपाउंड दोनों तरफ से रोड के दोनों तरफ जो है कंपाउंड वॉल थी वो कंपाउंड वॉल को हटाया गया है। पूरी सुबह सुबह जो है महानगर पालिका का बोल्डेजर एक्शन में आया है और कई पुलिस सिक्योरिटी भी यहाँ पर है और महानगर पालिका के कमिश्नर खुद इसकी खुद यहाँ पर मौजूद हैं स्पॉट पर और तमाम जो अतिक्रमण है जो हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका का बोल्डेजर सुबह सुबह एक्शन में आया है और तीन बोल्डेजर एक साथ लगे हैं और वहाँ पर मार्किंग किया गया है। कमिश्नर साहब के कहने के मुताबिक एक महीना पहले जो है वहाँ पर मार्किंग किया गया है और जितना मार्किंग है उतना इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। एक तरफ से पूरा काम स्टार्ट करें गिराने का, हमें देखते आ रहे हैं सब कोने से बराबर काम चलते आ रहा है। एक एक जगह हमना समझ में नहीं आ रहा सर, ये हमारे समझ के बाहर है क्योंकि तो आप मीडिया वाले आप सवाल कर सकते हैं, आप सवाल करो, चंद लोगों के घर कई को बच रहे हैं। नहीं नहीं, एक महीना पहले मार्किंग के कमिश्नर साहब के कहने के मुताबिक कर रहे थे और सिटी सर्वे के हिसाब से जो मार्किंग किया गया है वहाँ वो छोड़ कर ही ले रहे हैं या मार्किंग के अंदर जा रहे हैं? नहीं, मार्किंग के बराबर ले रहे हैं जी, जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक काट रहे हैं जी। लेकिन चंद लोगों के घर जहाँ तक हमें सुने सो बात है, ये चंद लोग जाको अधिकारियों को मिली मिल को बात करें, उनकी क्या सेटिंग है नहीं मालूम हमने, उनके घर पास जाए तो जरा नरम पड़ रहे हैं, वो हमें ज्यादा पूछ नहीं सकते कि तो हमें नहीं, मार्किंग के हिसाब से ले रहे हैं या नहीं ले रहे? चंद लोगों के घर नहीं ली मार्किंग के हिसाब से जी जी। अब वो तुम्हें मीडिया वाले हैं और तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है, तुम्हें ऐसा सवाल कर सकते हैं अधिकारियों से कि यहाँ तक कई गुनी करे कर को कि वो क्या पैसे लिए क्या करें क्या मामला क्या है, क्योंकि तो हमें तो रोड बनाने नहीं देते आधा सारा, अगर एक इंच भी किसका भी बना इनकम्प्लीट हुआ हमें रोड बनाने नहीं देते सीधा साफ, हमें मोहल्ले वाले पूरे जिन मोहल्ले की तरफ से बोल रहे हैं नहीं बनाने देते। और हाँ, हमें पूछ सकते हैं क्या फाड़ने वाले भी नहीं उन्होंने पूछेगा, तो हमें कानून के दायरे में है, हमें करेक्ट सही सवाल सही बात पूछ रहे हैं हमें, लेकिन हमें जोर जबरदस्ती करने का नहीं है। हमें रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया वाले अपनी नज़र बनाओ, क्योंकि मीडिया एक ऐसा ये है पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता और लोगों के मानव हक की रक्षा करता, तो इसके वास्ते मीडिया वाले का एक नज़र रहना बहुत जरूरी है, अधिकारों से सवाल होना जरूरी है, पूछेगा तो थोड़ा मेहरबानी होती हमारे मोहल्ले के वालों के ऊपर। हाँ,
30 फुट रोड है। बाकी लोग उनके उनके मार कर को उनको पहले जो टाइम दिए थे काड़ो कर को, वो टाइम के अंदर जितने लोग काट लेने का काट लिए। चंद लोग जिद कर को क्या करे, हमारा अपना घर है बचना, हमारा ये है बचना। हमें मोहल्ले वाले सारे मोहल्ले वाले मिला को बैठ को एक डिसीजन लिए थे पहले से। ये इससे पहले आप बताए थे मीडिया में, सब मोहल्ले वाले मिला करी कर को, मोहल्ले वाले की भी खूब तारीफ करे आप मीडिया वाले जी जी। लेकिन फिर भी क्या होता साहब, पूरे अंगले एक टाइप एक समान नहीं होते, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम रहती, थोड़ा हमें एडजस्ट नहीं कर सकते। आपका मदद अगर भी इसमें तो हमारा अधिकारियों को सवाल करने के वास्ते अच्छा होता, आसान होता। तो आप मेहरबानी कर को ये जो भी इलीगल लगा नज़र आ रहा आपको उसके ऊपर सवाल उठाओ। आपका नाम? मोहम्मद सफरुद्दीन। आप देख सकते हैं अभी हमारा पूरा, हमें हमारा घर पूरा गिरा रहे हैं जी। आप देख सकते हैं जो मार्किंग डाले थे उस हिसाब से हमारा घर पूरा गिरा रहे हैं जी जी जी। हाँ सर, तो मार्किंग के हिसाब से आपका घर गिरा रहे सर, गिरा रहे। तो आप कोऑपरेशन कर रहे हैं एकदम, रास्ता चौड़ा हो, रास्ता अच्छा हो। हाँ, कौन सी टेंशन नहीं, क्या नहीं, हमें खुद ब खुद हमें बोले उनको, हमारा एक चेंज ज्यादा गिरोकर को बोले सर हमें जी जी। हाँ, हमने क्या भी टेंशन नहीं, क्या भी एग्जाम नहीं है, मगर जरा दूसरे कर रहा जरा तुम्हारे सब जरा पूछो सर, वो आगे पीछे कर रहे हैं जरा काम, हमारा समझता नहीं सर क्या भी। तुम्हें देखो जरा, तुम्हें मीडिया वाले तुम्हें पूछ सकते हैं सर जरा, तुम्हें ऐसे आपकी नजर में है इधर? हाँ हाँ सर, तुम्हें देखो, तुम्हें अगली तक देखो सर, इधर भी देखो। हमारे डॉक्टर शमसुद्दीन साहब उन्होंने परसों बने थे कंपाउंड पाप बिचारे, और उनका गिरे साहब उनका डॉक्टर शमसुद्दीन का कंपाउंड गिरे हमारे परसों बने थे पाप बिचारे उन्होंने भी सर। तो अधिकारियों से आप रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करें सर, भेदभाव ना करें, ना को करो सर को, हमारे हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें भेदभाव ना करें, एक समान एकदम एक लेवल करें सर हमारा काम। नहीं तो हमें रोड बनाने नहीं देते, क्या बनाने नहीं देते, ऐसा रहते सर हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ छोड़ को जरा सब एक साथ करो सर। नहीं, किसी के दबाव में आकर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या है? वो क्या जाने, अल्लाह जाने, वो क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, मगर भेदभाव करो ना को साहब, ये जरा तुम्हें सवाल पूछो साहब उनको, हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट करो सर। आपका नाम? हाँ जी। तो नौबाग रोड जो गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज को जो रास्ता जाता है, यहाँ पर जो है एक महीना पहले मार्किंग की गई थी और मोहल्ले वाले खुद सो मोटो होकर महानगर कमिश्नर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को मनवी दी थी कि ये रोड चौड़ा हो, खूबसूरत हो और सबका और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इनका ये आरोप भी लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने किसी के दबाव में आकर जो मार्किंग किया है उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ये इनका कहना है। लेकिन वो अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भेदभाव ना करें और जहाँ पर मार्किंग लगाया गया है वो उस मार्किंग के तहत सबका जो इंक्रोचमेंट है वो बराबर निकालें और इनका सहयोग बाकायदा महानगर पालिका से रहेगा, डेवलपमेंट के लिए इनका सहयोग रहेगा, अभिवृद्धि के लिए इनका सहयोग रहेगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गली में बहुत अच्छा काम चले है, ये पहले छोना था, बहुत टाइम के बाद हो रहा है। जिसके भी जा रहे हैं वो गवर्नमेंट जगह में जितना है उतना चुनौत पढ़ा रहे हैं, वैसा भी टाइम दिए थे उन्होंने, टाइम के पाबंद नहीं रहे लोग, तो अब उन्होंने आपको कर रहे हैं। लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, अपने हिसाब से उन्होंने कर रहे हैं, करेक्ट है। यह अच्छा है कि अब जितना काम हो रहा है उसके आगे का जो उन्होंने वादे कर रहे हैं वो पूरा होना, कि रोड खोद को नवी ड्रेनेज लाइन डालना, गटार बनाते हैं बोलेंगे वो करना, और अच्छी सीसी रोड डाल को देना हमना, और क्या भी नहीं है जता है। ये सब हुआ का तो हमारी भी गली पूरा क्या है, यानी रोको घुंटे टाइप हुई थी हमारी गली जी, जी, जी। पूरे रोडा क्या है वो 30 फुट के जाको 10 फुट के बैठे थे। अब बहुत टाइम के बाद में वो यूनिवर्सिटी है करके अंकिया खुले हैं लोगों के, अभी काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, रोडा बड़े होते हैं, अब उन्हें आगे कैसा बनाते हैं वो देखना है। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स जो इंक्रोचमेंट हुए थे, तो यहाँ पर जो है सिटी सर्वे के मार्किंग के बाद स्वयं प्रेरित यानी अपने आप जो है लोग जो है निकाल चुके हैं, जैसे कि हमारे साथ जुड़े हैं भगवान साहब, रऊफ साहब। कब मार्किंग करे थे आपने, खुद निकाला? हाँ, हम खुद निकाल लिए हैं, वो गवर्नमेंट का ये है, वो हमें कुछ करने भी आता थे उसे, हमारा हमें निकाले को सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं सर, ताकि रास्ता अच्छा हो। हाँ, अच्छा हो, और सब बहुत तकलीफ आया जी जी, 27वीं रोड है अभी तक नहीं हुआ था। हाँ हाँ, आज बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई हमारा है, ये मुहर्रम का ईद है सर का, हमारा जी 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 बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर आपने सुना कि बहुत खुशी हो रही है इन्हें, क्योंकि 1987 में ये रोड बनी थी और ये पहला लेआउट इन्हें का लेआउट बीजापुर का, तो यहाँ पर रोड बिल्कुल तंग हो चुकी थी। जैसे ही सिटी सर्वे ने मार्किंग किया और ये खुद स्वयं प्रेरित होकर अपना इंक्रोचमेंट हटा चुके हैं और बहुत
खुश नज़र आ रहे हैं और ये महानगर पालिका का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका के कमिश्नर खुद इसके अगुवाई कर रहे हैं और सुबह से यहीं पर हैं और खुद मॉनिटर कर रहे हैं अपने स्टाफ के साथ। सर क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? ಏನು ಇರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿನಂತಿಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೋ ಏನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೋ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आता सारा काम कर रहे हैं ना, अभी नीचे का पड़ेगा तो ऊपर नहीं पड़ा, ऊपर का ही पड़ाना। अब हमारा देखो एक तीन फुट आता हमारा सात फुट पड़ा है, हमें क्या भी नहीं बोले, पढ़ाते ही नहीं कर बोले, लेकिन एक का छोड़ रहे, एक का बढ़ा रहे, ऐसा नको करन दे, करेगा तो सबको एक साथ करन दे, नहीं तो नको करन दे। हमने तो इसके बाद सब दिन बैठ को बंद कराते हैं काम में, हमें महानगर बोलते हैं, कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करते हैं, करेगा तो काम सबका एक साथ करो, नहीं तो नको करो। ಸರ ಸರ ಇದು ಇವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ತಳಗಿನ ತೆಗಿರಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟ್ರಿ ಬೀಳಾಕತ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೆಗಿಲಾಕತ್ತಾರ. ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅದು ಗಾಡಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿದಿಂದ ಬೀಳಿಸಿವಿ, ಆ ಜೆ ಸಿ ಬಿದಿಂದ ಮುರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರದಿಂದ ಮುರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ತೆಗಿತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಚು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತೆಗಿತೀವಿ. ತೊ ಆಪ್ನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಕಾ ಜೋ ಬೋಲ್ಡೇಜರ್ ಸುಬೆ ಸುಬೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೈ, और महानगर पालिका के कमिश्नर खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं और पूरी टीम यहाँ पर है नौबाग रोड पर, जहाँ पर डिग्री कॉलेज फर्स्ट ग्रेड कॉलेज का रास्ता जाता है, वहाँ पर पूरी तरह से दोनों तरफ से इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है और लोग यहाँ पर काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग अधिकारियों पर आरोप भी कर रहे हैं कि ये लोग जो है जहाँ पर मार्किंग है वहाँ छोड़कर चंद लोगों का छोड़ रहे हैं, चंद लोगों का गिरा रहे हैं, ये इनका आरोप भी है। लेकिन महानगर पालिका के स्टाफ और कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि जहाँ जितना मार्किंग है वो तमाम को हटाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और लोग यहाँ पर अभिवृद्धि के लिए अपना सहयोग भी दे रहे हैं। अब देखना है कि ये नौबाग रोड जो है खूबसूरत नौबाग रोड एक्शन प्लान महानगर पालिका के एक्शन प्लान के मुताबिक जो है पहले जो है दोनों तरफ नालियां बनाई जाएंगी, उसके बाद जो है पक्की रोड बनाई जाएगी, एक खूबसूरत रोड बनाई जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगे और यहाँ के लोग भी इसका पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है, अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।